गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, टॉपिक हमारा लास्ट वीडियो, पेशा की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। चार पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आगे के रिमेनिंग 3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, विशेष पहचान, स्पेशल रिकॉग्निशन। पेशा ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिससे व्यक्ति को एक विशेष पहचान प्राप्त होती है। इट मीन्स सोसाइटी में उनका एक स्पेशल रिकॉग्निशन होता है। लाइक अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो सोसाइटी के लोग उन्हें एज अ डॉक्टर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कोई टीचर है अगर, तो हर कोई भी अगर इंट्रोड्यूस करेगा उस पर्सन को, तो वो यही स्पेसिफाई करेगा कि ये एक टीचर है। तो प्रोफेशन जो है ये एक पर्सन को स्पेशल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है और व्यक्ति अपने प्रोफेशन के थ्रू ही पहचाना जाता है। पॉइंट नंबर 6, संगठन के अनुरूप कार्य, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशन जो है, हर एक प्रोफेशन का एक संगठन बना हुआ होता है और व्यक्ति को अपने संगठन के अनुरूप ही कार्य करना होता है। हर संगठन अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ नियम नीतियों का निर्धारण करता है, कुछ अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करता है। तो हर व्यक्ति को, हर पेशेवर व्यक्ति को अपने संगठन के नीतियों और नियमों के अनुरूप कार्य करना होता है। पॉइंट नंबर 7, सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी पेशे में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित औपचारिक शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पेशे से संबंधित विशिष्ट शिक्षा, ज्ञान, प्रशिक्षण आदि प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसी दशा में वो उस पेशे को नहीं अपना सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर सामान्य शिक्षा प्राप्त की है और अगर वो चाहे कि वो डॉक्टरी करना स्टार्ट कर दे या लोगों का इलाज करने लगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।